वेलकम टू लर्निंग स्टॉम अकेडमी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विंडो लिसनर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके मेथड क्या क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि विंडो लिसनर कैसे काम करता है अपनी। तो ऐसे हमें प्रोग्राम से करने वाले हैं अपना, तो प्रोग्राम से सिखाने वाला हूँ कि प्रोग्राम में प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, इसका कुछ देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूँ विंडो लिसनर होता क्या है। विंडो लिसनर जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि विंडो पर काम करता है, तो मतलब जैसे कि हमारा जे फ्रेम हो गया, कोई फ्रेम हमारा एक विंडो होता है, तो उसके अंदर हमारा जो विंडो के अंदर उसको जो उसके अंदर जो एक्शन हो रहे होते हैं, जो विंडो के अंदर जो एक्शन हो रहे होते हैं वो उन पे काम करता है। जैसे कि हमने की लिसनर पढ़ा, तो की के एक्शन, एक्शन लिसनर, माउस के आइटम लिसनर, माउस लिसनर, तो इसी तरह से ये है विंडो लिसनर। जो अगर हम विंडो पे काम करेंगे, कोई भी विंडो खुली हुई है हमारी, तो उस पर जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, डीएक्टिवेट हो रही है, तो उस पर जो एक्शन परफॉर्म होंगे उनको लिसनिंग करता है विंडो लिसनर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कैसे यूज़ करते हैं इनको, सबसे पहले विंडो लिसनर ऐड करना होता है हमें अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना होता है, और जो उसके जो पैकेज होते हैं उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद सेकंड आता है मेथड्स। हमें जो मेथड्स होते हैं हमारे, जो ये 7 मेथड हैं, इनको अब लिखना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर। सातों मेथड लिखने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा मेथड इसी में होते हैं विंडो लिसनर में, क्योंकि उसके बाद फिर 5 हमने उसमें पढ़े थे की लिसनर में, इसी तरह के 7 इसमें हैं। तो ये 7 तो हमें बताने पड़ेंगे, तो मैं 7 तो बताऊंगा आपको कैसे करना होता है यहाँ पे। उसके बाद आता है ऐड विंडो लिसनर। ये वॉइड डी आइकनफाइड है, इसमें विंडो वॉइड विंडो डी आइकनफाइड होगा, वॉइड विंडो डी आइकनफाइड, बिकॉज इसमें मैंने गलती से विंडो नहीं लिख पाया, विंडो इसमें मैं भी आएगा। अब बात करते हैं थर्ड की, ऐड विंडो लिसनर। सीधे जिस भी कंपोनेंट में आपको विंडो लिसनर चाहिए वहाँ हमें इसको ऐड कर देना है। चलिए प्रोग्राम बना लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसको यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास को नाम दे देता हूँ माय ऐप। उसके बाद इसमें एक्सटेंड कर देता हूँ अपने जे फ्रेम को, क्योंकि जे फ्रेम में जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जे फ्रेम एक ले रहे हैं, उसके ऊपर सारे जो भी विंडो लिसनर के मेथड हैं उनको रख के देखेंगे। तो उनके हिसाब से जो बंद हो रही है, जो विंडो खुलेगी, डेटेड होगी, सब इसमें दिखाई देगा। इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं विंडो लिसनर को। यहाँ मैंने इसको लिसनर को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा एरर आ रहे हैं, तो ये हमें इम्पोर्ट करने पड़ेंगे कुछ पैकेजेस जो मैंने बताया था आपको। सबसे पहला पैकेज तो होता है इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट सेमी कॉलन जावा एक्स डॉट स्विंग, ये हो गया सबसे पहला पैकेज। इसके बाद आएगा आपका इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट यू टू डॉट इवेंट डॉट विंडो लिसनर। विंडो लिसनर आ गया। इसके बाद एक और आपका इसमें पैकेज आएगा, वो है वो है आपका विंडो इवेंट। यहाँ मैंने इसी तरीके से यहाँ पर विंडो इवेंट भी एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, एक सिंपल हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। पहले हम एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ले लिया हमने। इसी तरीके से पब्लिक जो सिंपल हम लेते हैं वो ले लिया यहाँ पे। के बाद सीधे यहाँ पे इसको हमने ब्रैकेट दे देना है, सिंपल जैसे हम सिंपल प्रोग्राम में देते हैं। अब हम क्या करना होगा कि हमें उसमें मैंने बताया था आपको कि मेथड लिखने होते हैं, तो अब मैं उनके 5 मेथड्स, 7 जो मेथड बताए मैंने आपको, ये अभी जो बताए थे मैंने आपको सारे के सारे, अभी मैंने आपको भी ये बताए हैं सातों मेथड, ये हम लोग अभी इसमें सीखने वाले हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं। चलिए लिख लेते हैं, सातों मेथड लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ पे। मैंने सारे सारे 7 मेथड लिख दिए हैं, पब्लिक वॉइड एक्टिवेटेड, वॉइड क्लोज्ड, वॉइड क्लोजिंग, विंडो डीएक्टिवेट, विंडो डी आइकनिफाइड, विंडो आइकनिफाइड, विंडो ओपन, ये 7 मेथड यहाँ पे जो मैंने बताए थे आपको सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। इसमें क्या करना होगा, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं जैसे कि जैसे ये एक्शन परफॉर्म हो तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाए,
आउटपुट में क्या लिख देता हूँ मैं, आउटपुट में लिख देता हूँ जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसी का नाम लेता हूँ, जैसे कि विंडो एक्टिवेटेड एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर विंडो एक्टिवेट लिख देता हूँ मैं। इस तरीके से इस पर मैंने विंडो एक्टिवेट लिख दिया। इसी तरीके से सब में जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो लिख देता हूँ सारे के सारों में। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अभी इसको मैंने यहाँ से विंडो क्लोज कर देना है, यहाँ से इसको मैं ये कर देता हूँ। ऐसे सब मैं लिख देता हूँ, सब सारे के सारे में मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसको कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे मैं विंडो क्लोजिंग लिख देता हूँ। इस तरीके से मैंने इस सारे के सारे में लिख दिया है। इसमें लास्ट ये है, इसमें भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कॉपी कर दिया है। तो हमारा एक प्रोग्राम अभी रेडी हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फ्रेम तैयार करना है। तो फ्रेम के लिए मैंने बताया चार जो मेथड है, मेन मेथड वो हमें लिखने ही पड़ेंगे, तो हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा, पब्लिक माई ऐप, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। इसके अंदर क्या करते हैं, सेट लेआउट, जो सिंपल चार मेथड हैं, साइज वगैरह दे देते हैं इनको। सेट लेआउट नल यहाँ पर दे दिया, इसका सेट साइज, सेट साइज दे देते हैं इनको, सेट साइज दे दिया 1000 1000 दे देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद सेट विजिबल दे दिया, ट्रू दे दिया मैंने सेट विजिबल यहाँ पे। इसके बाद मैं एरिया सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ये मेथड किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, अगर नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं अपने भी किसी भी प्रोग्राम में जब रन होता है उसका फ्रेम, तो उसको हम लोग क्लोज कर सकें, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जिट ऑन क्लोज, जैसे कि हम लोग इसको लिख सकें कि यहाँ पे क्या यूज़ होना है, हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो फ्रेम बन जाए तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ जाए और आसानी से हम लोग अपना फ्रेम को बंद कर सकें। अगर वो नहीं होगा तो हमारा जो फ्रेम है वो एक्टिवेट रहेगा और हमारी मेमोरी रिलीज नहीं हो पाएगी। ये चारों मेथड लिख दिए मैंने, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर को। इसके बाद हमारा प्रोग्राम पूरा रेडी हो जाएगा। फर्स्ट क्लास ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई ऐप, ये हो गया हमारा पूरा काम खत्म। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। मैंने इसका आउटपुट दिखा था हमें, तो इसका आउटपुट में भी मेरे को प्रोग्राम में आउटपुट में भी हमें क्या करना होगा, इसमें भी अपन ने इसमें यहाँ पे ऐड नहीं किया है अपना विंडो लिसनर, तो हमें फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो जैसे कि हम नॉर्मल में ऐड करते हैं वहाँ पे, तो हम पास कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिस का यूज़ करना पड़ेगा, दिस डॉट ऐड विंडो लिसनर, ये हमने ऐड कर दिया। और दिस इसे यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सेम क्लास में यूज़ कर रहे हैं इसको। और मैं एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पे सब सबके पास में एक एक स्लैश एन दे देता हूँ, जिससे कि वो अलग अलग लाइन में आए, लाइन चेंज होती रहे उसकी, वरना दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं सबको सब जगह लगा देता हूँ उसको मैं यहाँ पे। इस तरीके से मैंने इसमें भी स्लैश एन लगा दिया है, और बाकी सब में भी मैंने यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया, जिससे कि हमारा सारा जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ इसको मैं रन कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ आप देख रहे हो कंसोल में, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया यहाँ पे कंसोल में आप देख रहे हो विंडो ओपन लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा, जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज़ किया तो यहाँ पे आइकनीफाइड और डीएक्टिवेट आ जाएगा। मैं इसको अगर दोबारा खोल लेता हूँ तो यहाँ पे एक्टिवेट लिखा हुआ आ जाएगा, और इसको मैं अगर क्लोज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आएगा विंडो क्लोजिंग। तो इस तरीके से हम लोग अपना विंडो लिसनर यूज़ करते हैं जावा स्विंग के अंदर। तो अगर आपको इसमें सिक्स को दोबारा रन करेंगे तो इसमें दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा विंडो ओपन, तो यहाँ से दोबारा से स्टार्ट होगा, इसमें आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से विंडो ओपन लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग विंडो लिसनर यूज़ करते हैं अब अपने जावा में। और हमने इसमें की लिसनर भी किया था, फोकस लिसनर, माउस लिसनर, इसमें हमारा लास्ट है फोकस लिसनर हमें पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग स्टॉर्म अकेडमी।